तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आदियोगी, जो तमिलनाडु राज्य में है, जो कोयम्बटूर स्टेशन से आपको आना पड़ेगा। इधर से आपको नज़दीक ही मिलेगा। दोस्तों, अंदर जाने के बाद में हमें एक बोर्ड नज़र आएगा जो एक ध्यानलिंग की तरफ जाएगा और आदित्य योगी स्टेचू की तरफ जाएगा जो राइट साइड में है। ये देखिए दोस्तों, इसके बगल में ही एक शिव भगवान की मूर्ति मिलेगी जो इस तरह का है। देख लीजिए, शिव जी की मूर्ति इस तरह का है। सबसे पहले इसी का आपको दर्शन मिलेगा सामने। हम लोग अभी पहुंच गए। ये देखिए गाड़ी का पार्किंग एरिया है, इधर से आपको पार्किंग एरिया पूरा मिलेगा ये साइड में। इधर देखिए, अगर आप लोग कैब लेके आते हैं तो इधर से आपका पार्किंग एरिया है ये साइड में पूरा आपका। इधर है सर। दोस्तों, अगर आपके बच्चे अगर नहीं चल सकते हैं तो आप बैलगाड़ी की सहायता ले सकते हैं, जो कि फ्री में आपका ये सुविधा है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं। देख लीजिए, हम लोग को दिखाई मिला है जो शिव जी की प्रतिमा है, जो पीछे साइड का है, जो हम लोग पीछे से जा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। देखिए सुबह अंदर जाने के टाइम में हमें और एक बोर्ड का नज़र मिला है, सो देखते हैं क्या लिखा हुआ ना नहीं है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, किस तरह का बोर्ड है जो आदि जोगी धर्म का अस्तित्व नहीं था। आदि शिव जी ने इसके पहले योगी थे। 112 फीट की है। इसके माथे पे चंद्रमा है और रुद्राक्ष की माला है, जो ऐसे देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग आते हैं तमिलनाडु तो कोयम्बटूर आइए। कोयम्बटूर से ज़्यादा दूर नहीं, तकरीबन 1 घंटे की रास्ते है, तो आप लोग भी पहुँचिए और इस खूबसूरत नज़ारा का मज़ा लीजिए। देखने में खासी खूबसूरत है। इधर आने का हम लोग आदि योगी टेम्पल में है, तो ध्यान लीजिए कि और हम लोग चलेंगे और देखते हैं उधर क्या कैसे ना नहीं है। तो हम नज़दीक जाके देखते हैं क्या है ना नहीं है। तो हमें तो इधर से दिखाई दे रहा है जो शिव जी के गले में एक रुद्राक्ष की माला है, माथे पे चंद्रमा है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और सामने में आपको हवन कुंड मिलेगा, जो आप लोग आते हैं तो पूजा वूजा कर सकते हैं, इसके लिए भी सुविधा किया गया है। तो चलिए नज़दीक जा कर देखते हैं। देख लीजिए, इधर हवन कुंड है, इधर आप लोग पूजा भी करा सकते हैं। इधर साइड में आपको इस तरह का है, देख लीजिए आप, जो कमल का फूल है इधर बर्तन में इधर रखा हुआ है, पानी में इधर हवन कुंड है साइड में। अगर आप लोग पूजा करते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान लिंगा का जाने का गेट है, जो हमें गेट के सामने में सब कुछ रख के जाना पड़ेगा। मोबाइल का यूज नहीं होगा अंदर में, तो हम लोग जमा करके जाएंगे मोबाइल। तो
तो अंदर में क्या है वो अनुभव मैं आके मैं बताता हूँ। तो मेरे को आने में कितना टाइम लगेगा, सो गाइस अभी तो मैं गेट्स के अंदर जाऊँगा, तो थोड़े टाइम के बाद मैं आके बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम ध्यान लिंगा से बाहर आ गए हैं, जो मेरे को आधा घंटा का टाइम लगा। सो अंदर जाके मैं सूर्य कुंड में स्नान किया, पूजा की है, उसके बाद निकला। सो दोस्तों अगर आप लोग आते हैं तो ध्यान लिंगा जरूर जाइए, उधर जाने से बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सो बाय बाय।